नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा पुलिस महानिदेशक बी.एस. संधु ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए 100-100 गृहरक्षी की तैनाती की जाएगी। इससे राज्य में सड़क और यातायात सुरक्षा को और अधिक बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। वो वीरवार को पुलिस मुख्यालय पंचकुला में हरियाणा यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा पर संकलित की गई पुस्तक यातायात प्रहरी के प्रवेशांक का लोकार्पण करने उपरांत उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कुशल यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 2100 गृहरक्षी की नियुक्ति के लिए अनुमति प्रदान की है। इन सभी को 15 अगस्त से पहले प्रत्येक जिले में तैनात कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश में यातायात पुलिस को बल मिलने के साथ साथ यातायात व्यवस्था में सकारात्मक सुधार होगा। सड़क सुरक्षा को एक कुशल और सुनिश्चित यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधार बताते हुए श्री संधू ने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य में लगातार सड़क दुर्घटनाओं को कम करके यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और वाहनों की खरीद के लिए रोड सेफ्टी फंड के तहत 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सड़क सुरक्षा में और अधिक सुधार किया जाएगा।